Hello everyone and welcome back to my channel. This is Sholanki and you are watching. तो जैसे एलोवेरा हमारे स्किन के लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव है, यूजफुल है, इसको तो आज के डेट में बताने की कोई जरूरत है नहीं। पर आप एलोवेरा की मदद से एक ऐसा पर्टिकुलर फेस पैक बना के अगर आप स्पॉटलेस ग्लोइंग और वो जो होता है ना कि ग्लास स्किन अचीव करना जिसमें बिल्कुल ये ना कोई दाग धब्बा ना हो, तो वैसा स्किन अचीव करने के लिए इस फेस पैक को आपको अप्लाई करना जरूरी बनता है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक DIY एलोवेरा फेस मास्क, जिससे कि आपका स्किन यू नो ऑलमोस्ट ग्लास स्किन को अचीव कर पाएगा। उसके यू नो दाग धब्बे मिट जाएंगे, कोई यू नो पिगमेंटेशन वगैरह नहीं रहेगा। जिनको भी सन बर्निंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप भी इस पैक को अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको एक इंग्रेडिएंट सूट कर जाए तो वो इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इंग्रेडिएंट आपको यूजफुल है या नहीं है। तो उसको छोड़कर बाकी किसी इंग्रेडिएंट से कोई परेशानी नहीं है, हर एक लगा सकता है। ये जो पर्टिकुलर फेस पैक है ये एक्ने के लिए भी सेफ है, वही पर्टिकुलर एक इंग्रेडिएंट अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो ये हर एक स्किन टाइप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर एपिसोड को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इस फेस पैक को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है। और उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर पूरा एपिसोड देखने के बाद अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक का बटन होता है उसको दबा सकते हो, एक नोटिफिकेशन का बटन होता है उसको जरूरी तौर पर दबाना है, वरना आपको नहीं पता चलेगा कि मैं कब कौन सा एपिसोड अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी भी ठीक ठाक लगती है और आपको जानना है कि मैं रोजमर्रा की कौन कौन सी स्किन केयर कर रही हूँ, तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करना होगा, क्योंकि उधर मेरा रोज का रोज मेरा स्टोरी अपलोड होता है कि मैं कब कौन सा फेस पैक अप्लाई करूँ, क्या नया यू नो इनटेक करी हूँ, या जो भी स्किन केयर के हेयर केयर का जो भी फंडा है उधर मैं स्टोरी में रेगुलर डालती हूँ। तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करना बनता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होता है, जाके मुझे फॉलो कर सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं उस फेस पैक को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एलोवेरा की एक पत्ती लेनी है, तो क्योंकि एक बार का फेस पैक के लिए इसलिए मैंने छोटा पत्ती लिया है, यानी कि लीफ जो है इसको छोटा लिया है, क्योंकि हमें कम ही जेल चाहिए। तो इसको काट के जिस तरीके से इसके अंदर का जेल निकालना होता है उस तरीके से हमें इसके अंदर का पूरा जेल निकालना है। तो जैसे आप देख रहे हो इसके पहले एजेस को काटना होता है, फिर इसके छिलके को उतार के इसके अंदर का जेल हमें निकालना होता है। जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में बना है क्योंकि हमें एक ही बार के लिए लगेगा। तो अभी इसको मैं मिक्सी में डाल के इसको बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी, जो कि अभी इस तरीके का देखने में आया है। तो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट भी हमें इसके अंदर कुछ और भी ऐड करना है, तो चलिए देख लेते कि हमें नेक्स्ट इसके अंदर क्या ऐड करना है। नेक्स्ट हमें लेने हैं एक नींबू यानी कि लेमन लेने हैं, जो छोटे वाले नींबू आते हैं जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हो। तो इसको आपको नींबू के कुछ 2 से 3 बूंद ही आपको एक बार के फेस पैक के लिए अप्लाई करना है। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा लेमन का इस्तेमाल करना मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करती। तो जैसे आपने देखा मैंने 2-3 बूंद या 4 बूंद उतना ही डाला है फेस पैक के अंदर। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट हमें इसके अंदर 1 चम्मच हनी का ऐड करना है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाकर एक मिक्सचर बना लेना है। अब जब भी आपको लगे कि आपको इस फेस पैक को अप्लाई करना है, आप इस तरीके से इसको प्रिपेयर करके अपने चेहरे पे अप्लाई करोगे। अब जो मैंने बात कही थी कि जो एक इंग्रेडिएंट जिसको कि लोगों को सूट नहीं कर सकता होगा वो है गाइस लेमन। तो जिनको भी लेमन नहीं सूट करता आप लेमन को छोड़ के बाकी चीज़ों को भी ले कर सकते हो, पर लेमन देने से वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो पर जिनको सूट नहीं करता वो क्या ही कर सकेंगे, तो आप लेमन को स्किप करोगे और बाकी चीज़ों को ऐड करोगे। किस तरीके से आपका फेस पैक ये जो बन चुका है, अब इसको आपको अपने स्किन पे अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के बाद आपको जैसे कि हम नॉर्मल जो सारे फेस पैक होते हैं उसको हम 15-20 मिनट रखते, पर लेमन वाले फेस पैक को हमें 15-20 मिनट नहीं रखने होते। लेमन जब भी आप डालो अपने फेस पैक में तो उसको कोशिश करो कि उसको 7 मिनट से लेकर 10 मिनट या मैक्सिमम 11-12 मिनट के अंदर आप उसको उतार दो। इससे ज़्यादा मैंने भी कभी लेमन को अपने चेहरे पर 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं रखती। तो इस जैसे कि मैंने बोला आप 7 मिनट से लेके 10 से 12 मिनट तक के बीच का एक टाइम रख के आप इसको सिंपली आप अपने पानी से इसको उतार दोगे। इसके बाद आपका जो भी करना होता है, जो आपका मॉइस्चराइजर वगैरह टोनर वगैरह करना होता है उसको आप कर सकते हो। तभी अभी जैसे कि आपने देखा कि इस फेस पैक को हमने किस तरीके से प्रिपेयर किया, किस तरीके से अप्लाई किया। अब बारी आती है कि इसको आपको कितने दिनों इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो हफ्ते में इसको आप 2 से 3 दिन आप इसको यूज़ करोगे, क्योंकि लेमन में कभी भी रोज़ाना यूज़ करने को किसी को भी ऐसा यू नो सजेस्ट नहीं करती, और ना ही तो मैं खुद भी करती हूँ। तो लेमन को हमें रोज़ाना नहीं इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने कहा कि आप इसको 2 से लेकर 3 दिन यूज़ कर सकते हो। इसी में बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है।
तो ये था आज का पूरा एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर देना और चाहो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो, जिनको भी ये सारी स्किन प्रॉब्लम है, जिनको भी ग्लास स्किन अचीव करने का उनको चाहिए, जिनको स्पॉटलेस ग्लोइंग स्किन चाहिए उनको। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टेक केयर एंड बाय।